चंद्रपुर पुलिस द्वारा ली गई पत्र परिषद में वरोरा के खंबाड़ा चेक पोस्ट पर शहीद हुए पुलिस सिपाही मेशराम के संबंध में तथा जानवरों की तस्करी करने वाले गिरफ्तार आरोपी के संबंध में जानकारी दी गई। चंद्रपुर जिला पुलिस विभाग द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्र परिषद में स्वयं जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने हाल ही में घटित हुई घटना के बारे में जानकारी दी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल प्रकाश मेशराम की अवैध जानवर तस्करों द्वारा गाड़ी से रौंदकर हत्या कर दी गई थी। इस पत्र परिषद में सीटीवी न्यूज के संवाददाता वैभव व्यारकर भी मौजूद थे। पुलिस सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी को हमेशा की तरह वनी नाका में नाकाबंदी के दौरान वहां पर मौजूद पुलिस सिपाही दिनेश मेशराम व सूरज मेशराम ये वाहनों की जाँच कर रहे थे। उसी दौरान 10:30 बजे के बीच दो टाटा योद्धा चौपहिया मालवाहक वाहन वनी की ओर से तेज गति से आ रहे थे। उसे सिपाहियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, मगर वे तेज रफ्तार से वाहन को चलाकर वहां से भाग निकले और दोनों पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा किया। यह उसकी जानकारी वर्रा पुलिस स्टेशन को दी गई। वर्रा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने इसकी जानकारी तत्काल खंबाड़ा में स्थित नाकाबंदी करने वाले कर्मचारियों को दी। उस दौरान खंबाड़ा में चेक पोस्ट पर पुलिस कांस्टेबल प्रकाश मेशराम कमलेश मोहमारे ड्यूटी पर तैनात थे। कुछ समय बाद वही दोनों टाटा योद्धा चौपहिया मालवाहक उन्हें तेजी से आते हुए दिखे। उसी दौरान प्रकाश मेशराम ने उन्हें बैरिकेड्स के पीछे रहकर बैटरी व लाठी के सहारे उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया, मगर दोनों भी वाहन चालकों ने वाहन को तेज गति से चलाकर पुलिस कांस्टेबल प्रकाश मेशराम को वाहन से रोक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के आरोपी इम्तियाज अहमद फैयाज उम्र 19 वर्ष, मोहम्मद रजा अब्दुल जब्बार कुरेशी उम्र 19 वर्ष, इन्हें घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया तथा घटनास्थल से फरार हुए आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी के मार्गदर्शन में स्थानीक गुन्हे शाखा के 2 पुलिस पदक, उप विभागीय पुलिस अधिकारी वर्रा का 1 पदक के रूप में एक टीम गठित की गई। इस टीम द्वारा फरार हुए मोहम्मद फहीम शेख, अजीम शेख उम्र 23 वर्ष एवं आदिल खान और मोहम्मद कादिर खान उम्र 21 वर्ष, ये दोनों आरोपियों को 21 जनवरी को नागपुर परिसर के कामठी से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। वनी मधला एक गोशाला मधून ही 24 जानवर नेले होते आणि जे गोशाला जे चालवणार आहे त्यांची इन्वॉल्वमेंट आहे म्हणून आमच्या तपासामध्ये निष्पन्न झालं। ते गोशाला चालवणारे माणसं आता फरार झालेलं आहे, त्यांना पण आम्ही पकडण्याचे आमचे प्रयत्न चालू आहे आणि तो त्यांचे स्वतः त्यांचे जानवर पण दिलं आणि जे 2 पिकअप होत्या त्यांनी जामपर्यंत त्यांनी पायलटिंग पण केलं।